हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लाइफ ममता भट्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, चैत्र नवरात्र चल रही है इस समय, और आज है अष्टमी। मेरे भी पूरे नौ व्रत हैं और आज अष्टमी के दिन ही मेरे घर में कीर्तन है। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपनी माता रानी के लिए दरबार सजाया है और कीर्तन की मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक बोर्ड है, बोर्ड का पीस है जिसको मैंने बैक साइड में लगा दिया है और अब मैं इसमें डेकोर करूँगी ताकि बहुत सुंदर और रिजिड बिल्कुल प्लेटफॉर्म बने। नीचे से टेबल आएगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल बहुत हैवी थी तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ी उसको राइट प्लेस में रखने के लिए, बट हो गया। सो ये मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, सेंटर टेबल रखा हुआ है और बेस। अब मैं इसको डेकोर करती हूँ। सो ये है मेरी माँ के दरबार का लुक। अभी पूरा नहीं बनाया, अभी तो सिर्फ कर्टेन्स और फ्लावर लगाए हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर की माला लगाई है मैंने ये, और बगल में मेरे गणपति जी रखे हुए हैं, ये काम धेनु गए हैं, और ये मेरी बेटी ने एक छोटे से कैनवस पे माता की पेंटिंग बनाई थी तो ये भी मैंने यहाँ रखी हुई है, और ये पूजा की थाली मैंने बनाई थी ये भी मैंने यहाँ रखी हुई है। अब फिलहाल मैं इसको और डेकोरेट करूँगी और फिर उसके बाद दिखाऊँगी आपको ये कैसा लग रहा है। ये मैंने रिफ्रेशमेंट के तौर पर, बीच बीच में गला थक जाता है जब गाते गाते कीर्तन के बीच में, तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट है सौंफ, लौंग, मिश्री, इलायची वगैरह वगैरह। और इसको मैंने एक ग्लास के बाउल्स में रखा है विद लिड, ये ढक्कन है इसके, और ट्रे में इस तरीके से बहुत काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना, प्यारा सेट। लेडीज़ को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए मैंने खरीदी थी लाल हरी सुहाग की निशानी चूड़ियाँ। ये बॉक्सेस हैं, दो दर्जन का बॉक्स था, एक डब्बे में दो दर्जन थी, फिर मैंने उसमें से निकाल के एक एक दर्जन का ऐसे बंडल बनाया, सेट बनाया 12 चूड़ियों का देने के लिए, लाल हरी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। खाली डिब्बे ये सारे मैंने फेंक दिए और ये दरबार के आगे सजा के रख दिए, इसका प्रसाद बनेगा। और ये मेरा दरबार है, लाइटें लगा के बगल में दो प्लांट्स लगाए, छोटी छोटी तस्वीरें जो थी भगवानों की वो रखी, और मेरा दरबार तैयार है। ये बन रहा है मेरा दिया, दिया ये है, ये भाभी लोग आ रखे मेरी हेल्प करने के लिए। वो है हमारा माता रानी का दरबार। प्रसाद के लिए मैंने यूज़ किया है मखाने, और इस पर मैं डालूँगी अब ये बताशे, और ये है कच्ची मूंगफली, ये माता मेवे वाला प्रसाद है। और वैसे मैंने ये ले रखा है पंचमेवा, ये माता रानी को चढ़ाने के लिए। तैयार साड़ी पहन के मैं तैयार हुई और फिर मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई, हेयर स्टाइल भी बनाया अपने आप, इतना काफ़ी वो नहीं हो रहा था, पर मैं सज धज के बिल्कुल अब अपने कीर्तन के लिए रेडी हो गई हूँ। पिछौड़ा पहन के, ये कुमाऊँ का एक सुहाग की चुन्नी होती है, पूजा में इसे पहना जाता है। इसको शुभ माना जाता है, और मेरे पिछौड़े के साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ था सौभाग्यवती भव, हर शुभ कार्य में सुहागने से पहनती हैं, तो मैं भी इसको पहन के ट्राई कर रही थी कि कैसे अच्छा लग रहा है। ये अलग अलग तरीके से डाल के मैंने ट्राई किया, कोई पोज अच्छा लगे, बहुत ट्राई किया मैंने, पर लास्ट में फिर मैंने सिंपली इसको ऐसे ही डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ माता रानी को लेने, पूरा बना हुआ आते आते।
ये हमारी जो कीर्तन मंडली है उन्होंने कहा था कि लेके आओ, तो मैं दरबार लेकर गई अपने हाथों से। जिसका कीर्तन होता है वो माता रानी को ले जाकर अपने घर में स्थापित करता है, तो ये मेरे घर में कीर्तन था तो मैं लेकर जा रही हूँ अपनी माता रानी को। मेरी दोस्तों ने भी, हमारी भाभियाँ जो कॉलोनी की, उन्होंने मेरा साथ दिया। स्टारिंग दुर्गा मैया। मैं बेटी से कह रही थी कलश भी ले आती तो कितना अच्छा लगता। हाँ बट मैं ऑलरेडी ला रहा हूँ। अच्छा लो, सिर पर ले जाऊँ ऐसे ले जाऊँ? ऐसे ही ले जा लो, मैं कह रहा हूँ। तूने बड़ा कोई पिक्चर में पा दी है ना, होम का आ गई ऑर्डर्स रेडी। अरे डॉगी हट यार, ये पहले जाता है। आपका फैन है। जोर से बोलो, जय माता की। सारे बोलो, जय माता की। मिलकर बोलो, जय माता की। जय माता की। जय माता की। आगे वाले, ताकि पीछे वाले, जय माता की। चारों दिशाओं से जय माता की। जय माता की। जय माता की। जयकारा शेरा वाली का, बोल काले दरबार की जय। भक्तो आओ भक्तो, मंदिर सजाओ भक्तो, मैया की नगरी आओ रे भक्तो, आओ रे भक्तो। और ये अब माता रानी दरबार में पहुंच चुकी हैं। मेरी माता का दरबार लग गया है। आंटी जी हेल्प कर रही थी मेरा, उन्होंने माता रानी को स्थापित करने में हेल्प करी। और ये कर दी मैंने लाइट्स ऑन। जगमग करता हुआ माता रानी का दरबार, स्वागत है आपका आज के कीर्तन में। जोर से बोलो जय माता की। अब धीरे धीरे भक्त आने लगे और माता रानी की जोत जल चुकी है। अब कीर्तन शुरू होंगे। जय माता की। आज माता का दरबार सजा है मेरे अंगना, तो माता को तिलक लगाकर हमने शुरू किया अपना कीर्तन। अरे गणपति पे भी लगा दी। जय माता दी, जय माता, ये दुर्गे मैया, ये कलकत्ते वाली है, ये कलकत्ते वाली है, ये जय काली कलकत्ते वाली दुर्गा है। हाँ, ये मेरे हस्बैंड वेस्ट बंगाल से लाए थे। दुर्गे माता और ये मेरी बेटी ने बनाई है पेंटिंग। और ये बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। लगा दिया वो स्टैचू में। एक मूर्ति भी है मेरे पास। और किस पे लगाना था? सब पे लगा दिया। जय माता दी। एक एक करके सबने अपनी अपनी भेंट चढ़ाई भगवान को, माता रानी को। सबने फूल चढ़ाए, पुष्प अर्पित किए और नमस्कार किया, प्रणाम किया। जीवन में सबके सुख और दुख लगे रहते हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हहैं, भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, तो हम अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। भगवान सब पापों को हरता है, इसीलिए तन मन धन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन लगाकर जितनी भी आप करें, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, उस तरीके से करें, सब भगवान ठीक करता है। अब
अब क्या करूँगा माता पे लगा दी सबको लगा दिए बस जय माता दी गणेश अब क्या सबको एक दूसरे को टीका लगाकर फिर हमने कीर्तन की शुरुआत की। मैंने सबको टीका लगाया, मेरे घर में कीर्तन था तो टीका लगाकर रक्षा दगा बात कर सबका वेलकम किया मैंने। सब मेरे डेकोरेशन के बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे ये छोटी सी माता रानी आई थी मेरे घर में, इसको मैंने टीका लगाया, प्यारी सी बच्ची। क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी गढ़वाली लोगों की है तो गढ़वाली भजनों का भी काफ़ी क्रेज है, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में गढ़वाली भजन। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे घर में आज कीर्तन हो रहे हैं। राम जी का ये भजन मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना था। कृष्ण भगवान का भजन चल रहा था तभी अचानक किस एक लेडी पर कृष्ण भगवान अवतरित हो गए और वो ये बाल लीला करने लगी। कृष्ण भगवान आ गए, वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे माखन मांग रहे थे कि मैया मुझे माखन चाहिए, मैया मुझे माखन चाहिए। तो फिर मैंने उनको माखन ला कर दिया। माखन लाने गई मैं किचन से माखन लाने। फिर कृष्ण भगवान मुरली बजाने लगे, फिर मुरली बजा रहे थे, नाच रहे थे, तभी मैया भी आ गई। सच में उनके चेहरे पर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा था और जो माता थी वो नज़र उतारती हुई मेरे घर की चारों दिशाओं में जा रही थी, तो मैं भी उनके पीछे गई। और माता रानी जो जिन लेडी पे माता आई थी उन्होंने मेरे घर के चारों तरफ मेरे घर के चारों दिशाओं की नजर उतारी।
कीर्तन का आनंद ही कुछ और आ रहा था। मैंने भी बहुत डांस किया, बहुत अच्छा लगा। अष्टमी का दिन था और काली माँ का आगमन हो गया। ये आई काली माता, शांत कर रही थी, मैं उन्हें प्रणाम कर रही थी, उनका अभिवादन कर रही थी, सबको आशीर्वाद दे रही थी माता रानी। साचे दरबार की जय। माता रानी के बाद लांगुरिया के भजन होते हैं, तो वो हमने गाए, बिल्कुल तन मन से माँ लांगुरिया के भजन गाए। और फिर की माता रानी की आरती। फिर मेरे बच्चे भी आए आरती में मेरा साथ देने के लिए। फिर भोग लगाया गया मैया जी को। फिर सब ने भजन गाकर मुझे बधाई दी कीर्तन की। और इसी के साथ मेरे कीर्तन का शुभ समापन हुआ और मैंने रिटर्न गिफ्ट में ये चूड़ियाँ और बिंदियाँ बांटी। फिर मैंने अपनी बेटी को और अपने बेटे को जिम्मेदारी दी कि वो सबको ऐसे कंटिन्यू करें, अपने हाथों से गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट दें। जो जिम्मेदारी इन दोनों को दी, मेरे दोनों बच्चों ने बड़े प्यार से बड़ी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। जाते जाते फिर हमने सबने ग्रुप फोटो ली, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सबको बड़े प्यार से विदा किया। दादी जी भी खुश हैं।
बाय करो, मुझे बाय करो। थैंक यू। सारे भक्तों की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है माता दी, लट्ठी लाती हूँ आपकी। मेरे बेटे का दोस्त भी आया था, हम सब ने मिलकर फोटोज खींची और सारे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे थे। मम्मी, बच्चे सब बहुत चेहरे खिले खिले लग रहे थे, सब बहुत खुश थे। आज बहुत अच्छा लगा हमें, बच्चों ने भी काफ़ी सीखा कि अपने देवी देवताओं की कैसे पूजा होती है, क्या क्या कस्टम कल्चर। हमें बच्चों को भी दिखाना चाहिए। लास्ट में हमने ग्रुप फोटोज़ खींची। जब सब चले गए तो फिर हम चारों दोस्तों ने बहुत मस्ती भी करी और अपनी फ़ोटोज़ खींची, खूब इंजॉय भी किया, अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ खींच पाई। हमारा पट्टा आ गया। आफ्टर कीर्तन मस्ती। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये कीर्तन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय माता दी।